होटल राजमहल एपिसोड 148 विशाल का सच। अपने घर पर ताला देखकर विशाल जल्दी से अपनी बहन मोना को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। विशाल इधर उधर देखता है, लेकिन जब उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता तो वो पास पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है और ताले पर जोर जोर से उसे मारने लगता है। एक दो वार के बाद ताला टूट जाता है और विशाल घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर का नजारा देखकर विशाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कल तक विशाल का घर था, उसके परिवार के रहने का ठिकाना था, वो आज महज एक खाली खंडहर की तरह दिखाई दे रहा है। वहां पर कोई सामान नहीं पड़ा है, बस एक जगह पर कुछ गद्दे मुड़े हुए पड़े हैं और एक किनारे पर एक टूटा फूटा मेज रखा हुआ है। विशाल हैरानी लिए रसोई की तरफ जाता है, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। विशाल को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी हो। वो उस दीवार की ओर आशा भरी नजरों से देखता है जहां एक दिन पहले तक उसके स्वर्गवासी पिता की तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन आज वहां पर एक खाली कील के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता हुआ बाहर जाता है। अभी वो अपने ख्यालों में ही गुम होता है कि तभी उसकी नजर सामने वाले सफेद घर पर जाती है। देवी दयाल जी का घर, जिसके बारे में उसकी बहन मोना ने बताया था कि वो विशाल के घर पर कब्जा करना चाहता है। अगले ही पल विशाल के कदम उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। विशाल घर के बाहर खड़ा होकर बेल बजाता है और अंदर से एक 60-61 साल का आदमी बाहर आता है। वो आदमी अपनी नजरों पर जोर डालते हुए पूछता है, कहिए। विशाल ने उन्हें नमस्ते कहते हुए पूछा, आप ही देवी दयाल जी हैं? उस आदमी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, के काम है भाई? विशाल ने थोड़ा नजदीक आते हुए कहा, मेरा नाम विशाल वर्मा है और मैं आपके घर के सामने ही रहता हूं। वो आदमी विशाल को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखने लगता है और फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, मेरे घर के पास, लेकिन मैंने तो आज से पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। विशाल उन्हें समझाते हुए कहता है, दरअसल मैं जयपुर में नौकरी करता हूं और यहां मेरा परिवार रहता है। फिर विशाल ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, आपके घर के बिल्कुल सामने वाला घर ही मेरा है। वो आदमी अपनी गर्दन उचकाकर सामने देखता है और सामने का घर देखते ही उसके हाव भाव बदल जाते हैं। फिर उन्होंने बौहें चढ़ाते हुए कहा, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। पहली बात तो वो घर थारा ना मारा है, दूसरी बात वहां तो कोई रहवे ही ना है, तू किसकी बात करे है छोरे। ये सुनते ही विशाल के चेहरे पर परेशानी की लकीरें मंडराने लगती हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके मुंह में कहने को कोई शब्द ही ना बचे हों। बड़ी मुश्किल से वो शब्दों को जोड़ते हुए कहता है, आपका घर? देवी दयाल ने गुस्से में बिफरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, वहां महरे बालक बाहर से आकर ठहरे हैं, या फिर यहां आसपास वालों के जब भी कोई शादी ब्याह होवे है या कोई तीज त्योहार तो महरे घर ने किराए पर देवे हूं, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, चल जाओ यहां से। इतना कहकर देवी दयाल अपने घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी विशाल ने उसे रोकते हुए कहा, अब सुनिए, क्या वहां वर्मा परिवार नहीं रहता? देवी दयाल जी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, छोरे, ना वहां कोई शर्मा जी रवे है ना ही वर्मा जी, वो घर महाराज है देवी दयाल का, थारे को कोई गलत फहमी हुई से। विशाल ने अब उनसे वो सवाल किया जिस सवाल को करने से वो सबसे ज्यादा डर रहा था, क्या आपने कुछ दिन पहले वो घर किसी को किराए पर दिया था? देवी दयाल ने जवाब देते हुए कहा, हाँ दिया था, वो महारे को जयपुर से एक फोन आयो था, वो लोग कई बार ये घर किराए पर लेवे हैं तो उनको दिया था, थारे को इस सबसे के करना है। ये सुनते ही
विशाल के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जयपुर से किन का फोन आया था? देवी दयाल ने कुछ सोचते हुए कहा। के नाम है उस पार्टी का। कुछ पल के बाद वो बोला कि वो कोई होटल वाले हैं। बड़ा अजीब सा नाम है, याद ना आ रहा मने। विशाल ने जवाब दिया। होटल राजमहल। होटल राजमहल सुनते ही देवी दयाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ हाँ, होटल राजमहल। कई बार फोन करते हैं और घर किराए पर लेते हैं। विशाल ने फिर सवाल किया, वहां से क्यों घर किराए पर लिया जाता है, कुछ पता है आपको? ये सुनकर देवी दयाल थोड़ा चिढ़ गया। ना, तू मारा बापू लागे से, जो इतने सवाल पूछे से मारे से। फिर भी बता देता हूं, चल। मने ना पता कि कौन है वो लोग, बस मारे को पैसे देते हैं और घर ले लेते हैं। इतना कहकर देवी दयाल घर के अंदर चला जाता है और विशाल की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों दिखाई देने लगते हैं। रेतीली हवा चल रही है, सब लोग उस रेत के तूफान से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। वहीं विशाल दौसा के उस घर से दूर चला जा रहा है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। उस रेत के तूफान की तरह विशाल के मन में भी एक तूफान चल रहा है, तूफान सच जानने का, ये जानने का कि उसकी असलियत क्या है। विशाल आंखों में आंसू लिए मन ही मन लगातार कहता जा रहा है, कौन हूं मैं, मेरा वजूद क्या है, भगवान मेरे साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है। विशाल सवालों के बवंडर से घिरा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे उसके सवालों के जवाब कहां मिलेंगे। तभी उसके जहन में एक नाम उभर आता है और विशाल के कदम एक जगह थम जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब कहां मिलेंगे। विशाल अब इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए दौसा की बस से वापस जयपुर आ जाता है। जयपुर पहुंचते ही विशाल सीधा दिव्या के पास पहुंचता है। विशाल को देखते ही दिव्या के सांस में सांस आती है। तुम कहां थे विशाल? इससे पहले कि विशाल कोई जवाब देता, वहां लगी घड़ी 11 बजने का इशारा करती है और दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अगले ही पल जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को होटल राजमहल में पाते हैं। होटल का माहौल हमेशा की तरह शांत और डरावना है। वही सीलन भरी हवा, वही घड़ी की टिक टिक और वही दरारों से आती हवा की डरावनी आवाज। लेकिन इस वक्त विशाल की नजरें बस एक ही चीज को तलाश रही है और वो है मल्लिका। विशाल आराम से दिव्या को रिसेप्शन के पास पड़े सोफे पर लिटा देता है और उसका सर सहलाने लगता है। तुम आराम करो दिव्या। धीरे धीरे दिव्या की आंख लग जाती है और विशाल चुपचाप वहां से मौका देखकर मल्लिका के कमरे की तरफ चला जाता है। मल्लिका के कमरे के बाहर पहुंचते ही विशाल एक गहरी सांस लेता है और फिर दरवाजे पर नॉक करता है। विशाल के दरवाजा नॉक करते ही अंदर से मल्लिका की मीठी पर शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज आती है। अंदर आ जाओ। मल्लिका की आवाज आते ही विशाल उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे में आते ही विशाल की नजरें सीधे मल्लिका पर जाती है, जो इस वक्त अपने उस बड़े से बेड पर बैठी हुई वाइन पी रही है। उसने ट्रांसपेरेंट गाउन पहना हुआ है जिसमें से उसका वो गोरा बदन साफ नजर आ रहा है और उसने अपने उन लाल होठों पर गहरे सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी है। हमेशा की तरह मल्लिका का वो हुस्न विशाल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विशाल आज उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता क्योंकि उसे तो उन सवालों के जवाब जानने हैं जो सिर्फ और सिर्फ मल्लिका के उन सुर्ख होठों में ही कैद है। विशाल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मल्लिका के पास आने लगता है कि तभी मल्लिका अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो अब क्यों आए हो तुम यहां? वहीं विशाल मल्लिका के बेड के सामने लगे सोफे पर बैठता है
और कुछ सोचते हुए कहता है, मल्लिका मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारी सारी बातें मान रहा हूं और आगे भी मानता रहूंगा, बस तुम सब कुछ सच सच बता दो। तभी मल्लिका अपने वाइन का एक सिप लेती है और हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, जो तुम जानते हो सच वही है। ये सुनते ही विशाल कहता है, मैं जानता हूं कि दौसा में मेरा कोई परिवार नहीं है। ये सुनने के बाद मल्लिका भी हैरान हो जाती है और विशाल को घूरने लगती है। तभी विशाल लगभग झुंझला कर कहता है, मेरी सच्चाई बता दो मल्लिका, बता दो कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन मल्लिका विशाल से अपनी उस डरावनी आवाज में कहती है, चले जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। पर विशाल मल्लिका से विनती करते हुए बोलता है, प्लीज मल्लिका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे मेरी सच्चाई बता दो, वरना ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। लेकिन मल्लिका फिर से अपनी डरावनी आवाज में अपने ही वही शब्द दोहराती है, मैंने कहा चले जाओ मेरे कमरे से, मुझे कोई बात नहीं करनी। इस पर विशाल पूछता है, मुझे लोग राजवीर राठौर क्यों बोलते हैं? बाहर जाओ मेरे कमरे से, अभी के अभी। क्यों मुझे वो फोटो मिली है? बाहर जाओ। क्यों मेरे सामने झूठा परिवार बनाया गया? बस बहुत हुआ, जाओ यहां से। तभी अचानक मल्लिका अपनी उस खौफनाक आवाज में चीख पड़ी और उसके इतना कहते ही उसके कमरे का दरवाजा खटाक की आवाज के साथ तेजी से दीवार से टकराकर अपने आप खुल गया। विशाल ने अपने आप खुले उस दरवाजे को देखने के बाद जैसे ही मल्लिका की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। इस वक्त मल्लिका की आंखों में खून उतर आया है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो गुर्रा रही है। तभी वो अपनी उसी खौफनाक आवाज में गरजते हुए कहती है, बाहर निकल जाओ वरना। ये सुनते ही विशाल एक पल के लिए दंग रह जाता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल विशाल चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है। जैसे ही विशाल के कदम उस कमरे से बाहर आते हैं, उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही एक झटके से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। वहीं कमरे के अंदर मल्लिका एक ही पल में शांत हो जाती है और वापस से लेट जाती है। लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उस कमरे की खिड़की के पास राजवीर सामने की तरफ से निकलकर आता है। अपनी ही मदहोशी में चूर राजवीर हवा में सिगार के धुएं के छल्ले बनाते हुए मल्लिका की तरफ बढ़ता है। एक लंबा चौड़ा कदकाठी वाला शरीर, उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनमें किसी भी तरह का खौफ नहीं है। वही राजवीर को देखकर मल्लिका अपने बिस्तर से उठती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो राजवीर से पूछती है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करना है। इस पर राजवीर अपनी गहरी आवाज में कहता है, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। राजवीर के मुंह से यह सुनते ही मल्लिका एक बार फिर से मुस्कुरा देती है और राजवीर वापस से सिगार के कश भरने लगता है। वही विशाल दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है और गुस्से में अपने आसपास की चीजें उठा उठा कर इधर से उधर फेंकने लगता है। तभी वो टेबल पर रखा एक वास उठाकर शीशे में दे मारता है जिससे वो शीशा चकनाचूर होकर जहां तहां बिखर जाता है। शीशे के टूटने की आवाज सुनकर बंसी और मुरली विशाल के पास आते हैं और विशाल की हालत देखकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी बंसी विशाल से पूछता है, क्या हुआ है विशाल, क्यों कर रहा है तू ये सब? इस पर मुरली बोल पड़ता है, गुस्सा निकाल रहा है, निकाल लेने दे। तभी विशाल उन दोनों पर चिल्ला पड़ता है, कौन हो तुम लोग? ये सुनते ही बंसी और मुरली विशाल से अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, ज्यादा उड़ मत, तुझे पता नहीं है
कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। इस पर विशाल उसी तरह से गुस्से में बोलता है, क्या करोगे, मारोगे ना मुझे, मार दो, आज मार ही दो तुम लोग मुझे, वैसे भी ऐसी घटिया जिंदगी से निजात ही चाहता हूं मैं। मुझे तो अपनी सच्चाई ही नहीं पता, मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, तो ऐसे में जिंदा रहकर भी क्या करूंगा मैं, मार दो मुझे। तो क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या विशाल की बातें सुनकर बंसी और मुरली कुछ ऐसा तो नहीं कर देंगे जिससे विशाल को बाद में पछताना पड़े? क्या करेगा अब विशाल आगे? कैसे जानेगा अपनी सच्चाई? कौन करेगा विशाल की मदद? आखिर राजवीर और मल्लिका कौन सी चाल चल रहे हैं विशाल के विरुद्ध? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल।